लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एंकर थ्रेड से मोहरी में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये एंकर थ्रेड लिया है, यानी जो हमारा कढ़ाई वाला धागा होता है, मोटा धागा, वो लिया है और उसको हमने बामिन में भर लिया है। और इसको हम नॉर्मली जैसे भी कोई भी हम धागा भर कर बामिन में लगाते हैं वैसे ही लगा देंगे इसको मशीन में। और अब हम मोहरी पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए मैंने ये 3 इंच की मोहरी इस तरह से तैयार कर ली है। ऊपर नीचे डबल लहर बनाई है मैंने और बीच में मैंने एक सीधी लाइन बना ली है। अब मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी वो मैं उल्टी तरफ बनाऊंगी, क्योंकि एंकर धागा हमने बामिन में भरा है तो हम डिज़ाइन उल्टी साइड से बनाएंगे। उसके लिए ये हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे बीच वाली लाइन में। ये देखिए, हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हम इसमें एक डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हमें किस तरह से बनाना है, ये जैसे हम ड्राइंग में सेब बनाते हैं तो सेब के ऊपर का हिस्सा मान लीजिए आप, इस तरह का हमें ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, और ये हमें एक तरफ बना लेना है। ये मैंने एक तरफ बना लिया है, नीचे की तरफ बनाया है मैंने पहले ये आधे हिस्से में। और अब मैं इस पे मशीन चलाऊंगी तो जिस तरह से मैंने ये चौक से बनाया हुआ है डिज़ाइन, उसी डिज़ाइन पर ही हमें मशीन चलानी है। ये देखिए, और बीच वाली जो लाइन है हमारी, इससे हमें नीचे नीचे ही डिज़ाइन बनाना है, लाइन से ऊपर नहीं बनाना है। इस तरह से बीच वाली लाइन पर सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर से ऐसे बनाएंगे डिज़ाइन। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये सीधी तरफ नज़र आ रहा है। ऐसे ही हम पूरी मोहरी में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक तरफ मोहरी में ये डिज़ाइन बना लिया है और देखिए ये सीधी तरफ से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब हमें मोहरी के आधे हिस्से में, यानी ऊपर वाले हिस्से में डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दो डिज़ाइन यानी दो पत्तियों टाइप बने हुए हैं, इसके बीच में पत्ती बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे और निशान के बाद हम ऐसे ही जैसे हमने नीचे डिज़ाइन बनाया है वैसे ही हम ऊपर बनाएंगे, सेम वैसे ही बिल्कुल। ये देखिए, हमने ये ऊपर भी डिज़ाइन बना लिया है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि नीचे की दो पत्तियों के बीच में एक पत्ती आनी चाहिए। इस तरह से ही हम ये डिज़ाइन पूरी मोहरी में बना लेते हैं। और सेम वैसे ही जैसे हमने नीचे वाली तैयार की हैं पत्तियाँ, सेम वैसे ही हम ये ऊपर वाली पत्तियाँ भी तैयार कर लेते हैं सिलाई लगा कर। हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई बीच की सिलाई से नीचे ना जाए, ऊपर ही रहे। ये देखिए, हमने इस तरफ भी ये तैयार कर लिया है, यानी दोनों तरफ हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। और सीधी तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। अब हम इसके अंदर एक सिलाई और लगाएंगे, तो वो भी हमें ऐसे ही लगानी है जैसे हमने सिलाई लगाई हुई है। सेम वैसे ही हमें इसके अंदर मशीन के एक पैर की दूरी के करीब सिलाई लगानी है हमें। ये पत्तियों में जिस आकार में हमारी पहले सिलाई लगी हुई है, सेम उसी आकार में हमें ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लगी हुई है। हम ऐसे ही सारी पत्तियों में सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, एक तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ से ये इस तरह से दिखाई देती है। अब सेम ऐसी ही सिलाई हम ऊपर भी लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसकी जो खाली जगह है इसको भरेंगे। तो इसके लिए हम जो चौड़ी जगह है इसमें लहर बनाएंगे और इसके बाद नीचे वाली पत्ती में इस तरह से चले जाएंगे और उसमें लहर बनाएंगे और फिर से हम ऊपर वाली पत्ती में आ जाएंगे। ये देखिए, और इसमें लहर बनाएंगे। इस तरह से हमें एक पत्ती से दूसरे पत्ती में लहर बनाते
चले जाना है और एक ही बार में हमारा ये डिज़ाइन पूरी मोहरी में कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें बनाते चले जाना है। ये देखिए हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। ये पूरी मोहरी ही हमारी उल्टी तरफ से बनकर तैयार हुई है और ये देखिए सीधी तरफ से कितना खूबसूरत डिज़ाइन इस मोहरी का नज़र आ रहा है, जो बहुत ही यूनिक भी है। आई होप आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।